गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई देखो, रात का 4 बज रहा है और बेटा चुन्नी मैं सब उठ गए हैं, क्योंकि बेटा परेशानी ऐसा करता है। तो जो भी हो भाई, आज मैं ज़्यादा दूर जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आरिफ का घर में दावत है। दोपहर को हम लोग जाएंगे उसके घर, इस वजह से मैं कहीं आसपास के गाँव में जाऊँगा और जल्दी रिटर्न आ जाऊँगा और जल्दी जाऊँगा। तो जो भी है, देखता हूँ कहाँ तक जाता हूँ, जो भी होगा आप लोग को दिखाऊंगा। तो अभी मैं रहता हूँ, जितना जल्दी हो सकेगा खाना वाना खा के निकल जाऊंगा। हेलो भाई, मैं जल्दी जाने का तो बोला था, लेकिन आनंद भाई के यहाँ पे आया था, मतलब हमारे घर से 3-4 किलोमीटर दूर, ज़्यादा दूर नहीं। तो आनंद भाई उनके पड़ोस में 2-3 आदमी को बोले और कितना माल उठाए, देखो सिनेमैटिक शॉट में तो आप लोग भी देख लिए होंगे। तो जो भी हो, जितना जल्दी हो सकेगा मैं निकलता हूँ आज, माल लेके मैं गोडाउन नहीं जाऊँगा, घर पर रख के आरिफ के घर जाऊँगा और शाम को आके बेचने के लिए जाऊँगा। तो जितना जल्दी हो सकता है मैं निकलता हूँ, ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। तो आनंद भाई थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। मेरे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर बहुत सपोर्ट करते हैं भाई, तो चलिए फिर मैं निकलता हूँ। आप लोग भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, ऐसा बात नहीं है आप लोग नहीं करते हो। तो जो भी हो भाई, ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अभी आगे मैं घर पहुंच गया हूं और काफ़ी लेट हो गया है भाई, 11:30 बज गया है। अभी मैं जितना जल्दी हो सकता है निकलता हूं, लोड लाके यहां पे मैं रख दी हूं, पीछे देख पा रहेंगे लोड काफ़ी ज़्यादा था। जिस दिन कहीं जाने का होता है या कुछ काम रहता है तो ज़्यादा सामान मिलता है। तो अभी ड्रेस पहने हम लोग, देखिए मैं भी पिंक कलर, बेटा भी पिंक कलर, उसकी अम्मी भी पिंक कलर। जितना जल्दी हो सकता है मैं निकलता हूँ भाई, आरिफ 2-2 बार फ़ोन कर दिया है। तो भाई सॉरी, थोड़ा लेट हो गया है, समझ पा रहा होगा, रोजी रोटी का बात है। हमारा जो बिजनेस है, कभी मिलता है कभी मिलता नहीं, यानी कि आज मिल रहा है कल मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया है, समझ पा रहा होगा। भाई गुलाबी गुलाबी, लेकिन पहन के आए रेड कलर, ये कैमरा में पिंक दिख रहा है। रेड कैसे हुआ आप लोग को पता चल गया होगा, लपटा दिया है भाई। तो जो भी हो, खातिर मानी बहुत अच्छा किया। मैं चाहता तो वहाँ पे शूट कर सकता था, लेकिन शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि किसी का कोई प्राइवेसी होगा। तो जो भी हो, अभी मैं काम करता हूँ, जल्दी से ड्रेस चेंज करके मुझे अभी जाना है साइकिल लाने के लिए। यानी कि सुबह मैं जहाँ गया था वहाँ पे एक आदमी के घर में 2 साइकिल है और वो देंगे बुलाए थे, तो थोड़ा जल्दी जाना था मुझे, लेकिन यहाँ से आने के लिए लेट हो गया। तो निकलता हूँ अभी, देखता हूँ क्या होता है, अगर नहीं देंगे कल सुबह बुलाएंगे तो फिर कल सुबह जाऊँगा, लेकिन जब बुलाए हैं मैं जाके मुलाकात कर लूँगा तो अच्छा रहेगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चलो भाई कैसे भी करके आधा रास्ता आ गया हूँ। तो ये पीछे देख पा रहे होंगे किस तरह से साइकिल बंधा हुआ है। अभी मैं मेरे घर से करीब 3 किलोमीटर दूर, हाँ 3 किलोमीटर हो जाएगा, हादियापड़िया नाम का एक जगह में खड़ा हूँ। तो ये लाइट का सामने ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पूरा अंधेरा हो गया है और लाइट तो नहीं है मेरे पास, आप लोग जानते हैं। एक लाइट है मेरे घर में जो कि चुन्नी के पास रहता है, लेके आ जाऊँगा तो फिर उसको परेशानी हो जाएगा। तो फिर देख लिया आप लोगों ने 360 डिग्री सिनेमैटिक शॉट। जो भी हो, मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, फिर घर भी मुझे जल्दी पहुँचना है। फाइनली लेके आके पहुंच गया हूँ भाई। एक साइकिल उधर है, अंधेरा में शायद दिखाई नहीं दे रहा है, और दूसरा साइकिल इधर है। जो भी हो, मैं बहुत तकलीफ़ से मतलब थोड़ा दूर पैदल लेके आया, और उसके बाद में जहाँ से रास्ता अच्छा मिला मैं साइकिल को चढ़ के लेके आ गया। तो अभी टाइम 7:30 बजने के लिए जा रहा है, मस्जिद में अजान हो रहा है, आप लोग को सुनाई दे रहा होगा। सुबह जो सामान लेके आया था वो बाहर वैसे ही फेंक के चला गया था, क्योंकि आरिफ के घर से जब आया तब अंधेरा हो चुका था। तो मैं सोचा चलो भाई पहले चल जाता हूँ गाँव को, आने के बाद में ये सब उठाऊंगा। तो अभी ये साइकिल को ठीक से रखने के बाद में वो सब उठा के लेकर अंदर रखना पड़ेगा, वरना बाहर रखूंगा कोई उठा उठी के लेके चला जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, लेने को देने पड़ जाएगा। तो ये माल ला के मैं अपने बाथरूम का साइड में रख दिया हूँ। अगर आप चोरी करने का सोच रहे हो तो भाई कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये वीडियो आप आज देख रहे हो तो ये आज शाम को मैं लेके बेचने वाला हूँ। जोक्स ऑफ ए पार्ट, जो भी हो अभी एक काम करता हूँ, चुन्नी ये साइकिल को अभी पोछा पाछी कर रही है, अगर कोई चढ़ने वाले ग्राहक लेने वाले हैं तो फिर थोड़ा ज़्यादा दाम में बिक्री हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, अगर नहीं होगा तो फिर इसको काट कूट के वही लोहा का दाम में बेचना पड़ेगा। तो चुन्नी जब तक ये साफ वाफ करती है मैं काम करता हूँ,
अपना जो हिसाब है सुबह का वो लगा लेता हूँ, क्योंकि सुबह तो टाइम नहीं मिला, आप लोग को भी पता है। तो भाई ये वाला साइकिल को धो धा के रेडी कर दिए हैं। अब एक काम करता हूँ, ये वाला साइकिल अभी तोड़ना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि सुबह मुझे बेचना है और एक भी साइकिल मुझे लाना है। तो ये साइकिल अगर मैं तोड़ के अभी देख लूँगा वेट में कितना है नहीं है, तो फिर वो साइकिल कल लाने में मुझे इजी रहेगा। तो चलिए ये तोड़ना स्टार्ट करता हूँ अभी मैं। चलो भाई साइकिल तोड़ लिया, उसका बाद में खाना वाना भी थोड़ा खा लिया हूँ, तो फिर अभी सोने का बारी है। बेटा तो पहले ही सो गया था, हम लोग भी अब खाना खा लिए हैं, अब सोने के लिए जा रहा है। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने वाला हूँ। ऊपर वाला का लाख लाख शुक्रिया, और एक दिन अच्छे से गुजर गया। तो जो भी हो, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग पर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा ब्लॉग देखते रहिए। थैंक यू। तो फिर मिलेंगे। मैं चाहता तो ओए।